वेलकम टू कुक विद लोग, मैं हूं माही और आ गई हूं एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो कुछ हटके होने वाली है। आज हम टेस्ट करेंगे टिकटॉक की वायरल वीडियो को। टिकटॉक पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि आप तरबूज के जो बेकार छिलके हैं उनसे घर पर ही टूटी फ्रूटी तैयार कर सकते हैं। तो आज हम भी बनाएंगे, घर पर ही देखेंगे तरबूज के बेकार छिलकों से टूटी फ्रूटी बनकर कैसे तैयार होती है। तो उसके लिए मैंने ये एक तरबूज के छिलके ले लिए हैं और इनको, जैसे कि वीडियो में बताया गया है कि हमें इसका जो ग्रीन वाला पार्ट है इसको पील कर लेना है, और थोड़ी सी इसमें मेहनत लग रही है लेकिन हो जाएगा। अच्छे से ग्रीन वाले पार्ट को निकालना है, देखते हैं क्या बनकर तैयार होता है। जैसे कि उसमें दिखाया गया है कि आप बिल्कुल बाजार जैसी टूटी फूटी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अच्छा, उसमें ये भी बताया था कि आगे का जो लाल वाला पार्ट है ये भी बिल्कुल निकाल लेना है, ना आगे का लाल वाला कुछ बचना चाहिए ना पीछे का ग्रीन वाला बचना चाहिए। इस तरह से निकाल लेंगे और बीच का जो ये लाइट ग्रीन वाला हिस्सा होता है सिर्फ यही रहना चाहिए। तो सब निकल कर तैयार हो चुके हैं, अब हमें इसे कट करना है। कट करने के लिए पहले इसके छोटे पीसेस कर लेंगे, फिर इसे लंबा लंबा काट के जो टूटी फ्रूटी का शेप होता है ना, क्यूब्स, छोटे छोटे क्यूब्स, उसमें हम इसे कट कर लेंगे। थोड़ा सा उससे आप बड़ा ही रखिएगा क्योंकि थोड़ा सा ये श्रिंक भी होता है सूखने के बाद। तो इस तरह से कट कर लेंगे, इसी तरह से बिल्कुल। थोड़ा सा टाइम लग गया लेकिन हो गया। अब हमने सारे कट कर लिए हैं। अब जो अगला बताया है उसमें बताया कि एक बर्तन लेना है, उसमें हमें पानी गर्म करना है, जब ये बबल्स आ जाएं तो उसमें हमें ये कटे हुए छिलके डाल देने हैं और इसे बॉईल करना है। बॉईल करने के वक्त उन्होंने ये नहीं बताया कि हमें कितने टाइम के लिए बॉईल करना है, सिर्फ ये बताया था कि इतना करना है कि ये जो छिलके हैं ट्रांसपेरेंट हो जाएँ। तो अब हम देखेंगे कि कितनी देर में ट्रांसपेरेंट होंगे। यहाँ से मैंने टाइम देखना शुरू किया है, अब थोड़े थोड़े देखिए ट्रांसपेरेंट होने शुरू हो गए, ये यहाँ पर और ज़्यादा हो गए, तो ट्रांसपेरेंट तो हो रहे हैं जैसे कि उसमें बताया गया था। देखिए अच्छे से बिल्कुल सही से ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और मुझे बिल्कुल 15 मिनट यहाँ लगे इसे ट्रांसपेरेंट करने में। अब अगला जो है वो एक बर्तन लेंगे और उसमें एक कप चीनी लेंगे और डेढ़ गिलास पानी ले लेंगे और इसे गर्म कर लेंगे। चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें और बॉईल आने देंगे, मतलब हमें शुगर सिरप तैयार करना है। अब जब शुगर सिरप तैयार हो जाएगा तो उसमें बॉईल हम छिलके डाल देंगे और इसे पकाएंगे 10 मिनट तक। मतलब हमें जो हमारी चीनी है इतना पकाना है कि हमारे जो छिलके हैं वो मीठे हो जाएं। तो 10 मिनट तक हम पकाएंगे। 10 मिनट बाद आप थोड़ा सा चक्के देख सकते हैं, हाँ मैंने देखा था, तो ये मीठे हो चुके हैं। तो आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो और थोड़ा सा पका लें। अब इसे निकाल लेंगे, निकाल के अलग रख देंगे। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें कलर मिलाना है। कलर आप अपनी मर्ज़ी से जितने चाहें उतने मिला सकते हैं। मुझे यहाँ चार रंग मिलाने थे तो मैंने इन्हें चार जगह डिवाइड कर लिया। आप चाहें तो दो या तीन, जितने भी मिला सकते हैं, मिलाने चाहें मिला लें। अब इनमें अलग अलग कलर मिला लेंगे अपनी पसंद के। मैंने जो बाज़ार में आती हैं टूटी फ्रूटी उन्हीं वही कलर मिलाए हैं, लाल, हरा, पीला और ऑरेंज। आप अपनी पसंद का कोई भी मिला लें। अब मिलाने के बाद, अच्छे से मिलाने के बाद हमें क्या करना है, इन्हें सूखने के लिए रखना है। तो किसी भी ट्रे पे या कपड़े पे इसे फैला देंगे अलग अलग, एक दूसरे का कलर नहीं आना चाहिए। तो इन्हें फैला देंगे और सूखने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, ये ध्यान रखना है कि धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना, धूप में सुखाएंगे तो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाएंगे, बाजार जैसे बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो इसे कमरे में आप छोड़ दें सूखने के लिए। अब देखिए पूरा एक दिन मुझे लगा इसे सुखाने के लिए और ये बिल्कुल बाजार जैसी बनके तैयार हो गई है। कलर भी देखिए आप हाथों पे नहीं आ रहा इसका और सूख चुकी है। तो मुझे तो ये टिकटॉक का जो वायरल वीडियो है बिल्कुल पसंद आया, बिल्कुल अच्छे से बाजार जैसी बिल्कुल देखिए बनके तैयार हो गई। आप इसे कस्टर्ड पे, आइसक्रीम पे, बच्चों के लिए कुकीज़ बनाएं, उसमें शीर पे, किसी भी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको भी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।